पूर्व सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले राज्य स्तरीय 20वां कारगिल विजय दिवस बिलासपुर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर युद्ध स्मारक पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने उनका स्वागत किया। मंत्री गोविंद ठाकुर ने कारगिल में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए प्रदेश के 52 सैनिकों के सम्मान में युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। पूर्व सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले राज्य स्तरीय 20वां कारगिल विजय दिवस बिलासपुर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर युद्ध स्मारक पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने उनका स्वागत किया। मंत्री गोविंद ठाकुर ने कारगिल में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए प्रदेश के 52 सैनिकों के सम्मान में युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा, जबकि पुलिस के जवानों ने शहीदों के सम्मान में शस्त्रों को उल्टा करके सलामी दी। तत्पश्चात भाषा संस्कृति विभाग के भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सूबेदार प्रकाश चंद मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को बैच टोपी शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल युद्ध 14 मई 1999 को तब शुरू हुआ जब 4 रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ काले के साथ गश्ती दल बजरंग पोस्ट की और दुश्मन की उपस्थिति की जानकारी के लिए रवाना हुए, लेकिन दूसरे ही दिन गश्ती दल से संपर्क टूट गया और 9 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना ने कैप्टन सौरभ कालिया का क्षत विक्षत स्थिति में सब सौंपा। उन्होंने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा की ये दिल मांग मोड़ की ध्वनि मस्को घाटी में शंखनाद करते हुए दुश्मन पर भारी पड़ी। उन्होंने बताया कि कई चोटियों पर कब्जा करने के बाद 48.75 कब्जा करते समय दुश्मन ने विक्रम बत्रा पर चारों तरफ से हमला कर दिया और विक्रम बत्रा ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी दौरान मस्को घाटी की 17,000 फीट ऊंची लेट टॉप पोस्ट पर राइफलमैन संजय कुमार ने कब्जा करते हुए दुश्मन पर फायरिंग की। दूसरी तरफ हुई फायरिंग से संजय कुमार की टांग पर 5-6 गोलियां लगी। इसके बावजूद संजय कुमार अदे साहस का परिचय देते हुए दुश्मन पर ग्रेनेड और गोलियों की बौछार से हमला किया तथा लेट पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इस बहादुरी के लिए संजय कुमार को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। इस युद्ध के दौरान युद्ध पदकों में 2 परमवीर चक्र, 4 वीर चक्र, 5 सेना मेडल से सम्मानित किया। इस अवसर पर वीरों तथा वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें मीरा देवी, रत्नी देवी, सरस्वती देवी, कलावती, शीला देवी, संकुतला देवी, निर्मला देवी, रक्षा देवी, कौशल्या देवी, प्रोमिला देवी, सुरेश कुमारी, कैप्टन योगेंद्र पल, कर्नल पीएस अत्री, सुरेश नड्डा आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सैनिक और समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और 527 सैनिकों में से 52 इतने सैनिक हिमाचल प्रदेश के शहादत को प्राप्त हुए और देश में आए तो 4 परमवीर चक्र विजेता, 2 परमवीर चक्र विजेता छोटे से हिमाचल प्रदेश का रहे, इसलिए देवभूमि तो है, ये वीर भूमि भी है। यह हर घर घर से हमारे परिवारों के बच्चे सेना में हैं। हमारे देश की संस्कृति रही है, हमने कहा है कि युगों युगों से यही हमारी परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।